नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। स्वागत है आपका हमारे बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है आर्ट सिविल लाइंस। आर्ट सिविल लाइंस यानी सीएमआर यानी सूबे के मुखिया का ठिकाना, यानी वो घर जहां मुख्यमंत्री रहते हैं और तय करते हैं राजस्थान का भविष्य। फिलहाल प्रदेश के साथ इस घर पर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का राज है। यही वो पावर सेंटर है जहां प्रदेश की राजनीति की ABCD तय होती है। यहीं से तय होता है किसको कितना कहां कब और क्या मिलेगा। इसी पावर सेंटर की हर हलचल पर हमारी खास नजर रहेगी और हर खबर से आपको रूबरू भी कराएंगे, यानी दिखाएंगे आर्ट सिविल लाइंस की हर हलचल। आर्ट सिविल लाइंस की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ, क्योंकि बेरोजगारी भत्ते वाली योजना का नया नाम अब तय कर लिया गया और नाम है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। पूर्व से बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे लाभार्थी और नवीन प्रकरणों के लाभार्थियों को ये भत्ता मिलेगा और बढ़ी हुई दरों से फरवरी माह में भुगतान शुरू हो जाएगा। पुरुष आशार्थी को 3,000, महिला और विशेष योग्यजन आशार्थी को मिलेंगे 3,500 रुपए प्रति माह। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो ऐलान किया था उसको करके दिखाया है और इस दौरान पुरुष आशार्थी को 3,000 रुपए प्रति माह, तो वहीं पर महिला और विशेष योग्यजन आशार्थी को 3,500 रुपए प्रति माह यहां पर दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ते वाली योजना का नया नाम तय कर दिया गया है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। यानी मुख्यमंत्री ने युवाओं से जो वादा किया कि उनको संबल प्रदान किया जाएगा, उनको संबल बनाया जाएगा, और उसी के तहत ये बेरोजगारी भत्ता यहाँ पर बढ़ाया गया और भत्ते को जो बढ़ाया गया उसकी शुरुआत जो है वो फरवरी माह से कर दी जाएगी। यानी कि मार्च में बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा और किसको कितना मिलेगा ये भी यहाँ पर तय हो गया। मेरे सहयोगी नरेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, तीन शब्द और तीनों आपस में बेहद महत्वपूर्ण। पहला मुख्यमंत्री जिन्होंने वादा किया, दूसरा युवा जिनके लिए ये प्रोमिस किया गया, और तीसरा संबल, उनको संबल प्रदान करने के लिए, उनको संबल बनाने के लिए। नाम अपने आप में ये दिखाता है कि मुख्यमंत्री की सोच क्या है और किस तरीके से युवाओं को संबल बनाते हुए आगे बढ़ाना है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, युवाओं के बीच में ये घोषणा की थी जब राजस्थान यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम था कि आज से ठीक एक महीने बाद यानी एक मार्च से युवाओं को जो भत्ता है बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, लेकिन उन्होंने उसका नाम जो है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना दी है। एक तरह से कह सकते हैं हौसला अफजाई भी इस योजना के माध्यम से करनी पड़ सकती है, जिसमें जो पुरुष है उनको 3,000 रुपए प्रति माह और जो महिला और जो विशेष योग्यजन है उनको 3,500 रुपए प्रति माह, यानी अगर विशेष योग्यजन पुरुष है तो भी उनको 3,500 रुपए जो है हर महीने वो मिलेंगे। और इस बारे में जो श्रम और नियोजन विभाग है उनके जो सचिव है उन्होंने आदेश जारी कर दिया। खास बात देखिए, आज अवकाश का दिन है और अवकाश के दिन भी ये आदेश जारी किए हैं ताकि जो भुगतान है युवाओं को वो मिल सके और पूरी प्रक्रिया है वो अपनाई जा सके। बिल्कुल नरेश, क्या मार्च के पहले सप्ताह में ये बेरोजगारी भत्ता युवाओं के खातों में जाना शुरू हो जाएगा, पहला सवाल तो ये, और इसी के साथ ये कि राजस्थान में कितने युवा हैं जिनको इसका सीधा फायदा मिलना है? देखिए, जो ठीक एक मार्च है उसको ये जो पैसे है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। और इसमें खास बात ये भी विजेंद्र कि जो पहले से जो किसी तरह से बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे हैं वो भी इसमें जो है उसके योग्य होंगे, उनको भी जो पैसा है वो मिलेगा। और जहाँ तक वही बात कितने को मिलेंगी, तो अभी भी कोई अगर रजिस्टर कराता है अपने आप को तो वो भी उसमें काउंट होंगे और लाखों युवा जो है वो राजस्थान के इससे लाभान्वित होंगे इस योजना से, क्योंकि मुख्यमंत्री ने घोषणा की। और इससे पहले कांग्रेस की देखिए जो मैनिफेस्टो था उसमें भी ये बड़ी घोषणा थी, और जब भारतीय जनता पार्टी ने इसको मुद्दा बनाने की भी कोशिश की थी कि ये बड़ी घोषणा है, कैसे पूरी कर पाएंगे, कब से लागू होगी, और उसके बाद जो विपक्ष ने जो मामला ये विधानसभा में उठाया था, मुख्यमंत्री ने इसका जवाब दे दिया है और अब एक मार्च से जो है वो नरेश, इस दौरान ये भी कहा जाए कि मुख्यमंत्री ने बहुत दूरदर्शी सोच के साथ इस योजना की शुरुआत की, क्योंकि इस योजना का नाम किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नहीं रखा गया। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब सरकारें बदलती हैं तो फिर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। सीधा और सपाट नाम, विजन को क्लियर करते हुए मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, देखिए इस तरह की जो योजना का नाम उसमें कहीं राजनीतिक संदेश नहीं जाता, सीधा सा संदेश युवाओं के लिए जाता है कि सरकार युवाओं के लिए काम कर रही है और जो कहा है
वो कर रही है, ये बड़ी बात है। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था किसान की जो ऋण माफ उसका मामला हो, अभी जो युवाओं के लिए जो घोषणा की है उसका मामला हो, और भी कई ऐसी योजनाएं हैं वो लागू होगी जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में घोषणा की थी। और मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा था कि इनका जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस का वो एक सरकारी दस्तावेज और सरकार की जितनी भी योजना उसके अनुसार बनेगी। और ये देखिए, इसको लेके भारतीय जनता पार्टी ने आशंका जताई थी कि ये युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है उसको लागू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका प्रतीक और करारा जवाब हो मुख्य मंत्री के तरफ से। नरेश, क्या कुछ ऐसा आंकड़ा अभी उपलब्ध हो पाया कि प्रति माह सरकार पर कितना वित्तीय भार इसकी वजह से पड़ेगा? देखिए, इस बारे में पहले भी जो है मुख्यमंत्री इस बारे में बता चुके हैं कि काफी जो वित्तीय भार है करोड़ रुपए में वो सरकार पर बढ़ने वाला है, क्योंकि इस तरह की जो योजनाएं हैं उसके लिए अलग से बजट की जरूरत होती है। और ये पूरी एक्सरसाइज करने के बाद ही डिविजन है, जी बिल्कुल नरेश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मेरे सहयोगी नरेश हमारे साथ बने हुए, तो जो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने जिस योजना की शुरुआत की है, जिसको एक नया नाम यहां पर दिया गया, उसकी पहली किस्त बेरोजगारों के खाते में 1 मार्च को आ जाएगी, यानी कि फरवरी से ही एक तरीके से कहा जा सकता है कि बेरोजगारी भत्ता बढ़कर मिलना शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 राज्यों में जीत से उत्साहित कांग्रेस अब बिहार में भी अपना वर्चस्व कायम करने की तैयारी कर चुकी है। इसी कड़ी में करीब 30 साल बाद कांग्रेस ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रैली की, जिसका नाम दिया गया जन आकांक्षा रैली, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे और राहुल गांधी के साथ कांग्रेस कोषाध्यक्ष अहमद पटेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2019 में से पहले ये रैली देश को एक संदेश देगी, देश के अलग अलग तरह का माहौल बना है, लेकिन राहुल गांधी हमेशा से ही अच्छा माहौल चाहते हैं। लंबे अरसे बाद में कांग्रेस को रैली करने का एक अवसर मिला और आप सबके सहयोग से जो ये लोग खड़े हैं, ये बैठे हुए हैं, आप सबके आशीर्वाद से, आपके सबके सहयोग से, समर्थन से, उसके कारण से आज ये रैली बहुत कामयाब हो सकी है। उसके लिए मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये रैली है आगे चुनाव आ रहे लोकसभा के भी, देश की तकदीर का फैसला होगा। ये कोई मामूली रैली भी नहीं है, रैली एक संदेश देगी पूरे देश को। बिहार की पटना की रैली ने एक मैसेज दिया है, हालात क्या है देश को उसका चिंतन करने का, किस प्रकार पिछले चुनाव में धोखा दिया गया देश को, काला धन लेके आएंगे विदेशों से, 1 रुपए लेके नहीं आए मोदी जी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे उसका पता ही नहीं है, खाते में पैसा डाल देंगे 15 लाख रुपए, वो धोखा साबित हुआ, जुमला साबित हुआ। कथनी में करने में अंतर सामने आ गया। जिस प्रकार से आज देश में 2 ही लोग राज कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी व अमित शाह जी, लोकतंत्र में संभव है आप खुद सोच सकते हैं। जिस प्रकार से आज देश के अंदर शासन चल रहा है, पूरा मुल्क चिंतित है कि पहली बार हम लोग इन नेताओं के मुंह से असत्य सुन रहे हैं, इन नेताओं के वादे पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, जुमले बोलने मास्टर लोग हैं, ये फासिस्टी सोच वाले लोग हैं, इनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है, इसीलिए ये लोग जनता को धोखा देकर के सत्ता में आ गए। अब इनकी पोल खुल चुकी है पूरे देश के अंदर। आज देश में नफरत, घृणा, हिंसा की राजनीति हो रही है, देश में अविश्वास का माहौल है। ये राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने देश का एजेंडा अगले चुनाव के लिए फिक्स कर दिया है। वो एजेंडा है नंबर 1,
कैसे किसानों का भला हो, किस प्रकार उनका कल्याण हो, नंबर दो किस प्रकार से युवाओं को रोजगार मिले, नौकरी मिले, पूरे देश के अंदर न्यूनतम आमदनी का हर व्यक्ति को हो, हर परिवार को हो, ये अपना अपने क्रांतिकारी विचार है उनका। देश में जिस प्रकार से हिंसा का माहौल है, नफरत का माहौल है, राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं हमारी किसी से अदावत नहीं है, हम चाहते हैं प्यार से भाईचारे से सद्भाव से राजनीति हो, लड़ाई हमारी विचारधारा की है, नीतियों की है, सिद्धांतों की है। इसलिए आप लोगों को एक संदेश देना, राहुल गांधी जी भी बोलेंगे पूरे प्रदेश के अंदर जाकर के, किस प्रकार से आपने एक संदेश देने का काम किया कि आने वाले वक्त में क्या फैसला करना है देश की जनता को, बिहार की जनता को। हम लोग भारी तादाद में जीत के जाएं, इनकी पोल खुल चुकी है, आप देखेंगे कोई आश्चर्य नहीं होगा, इस देश की जनता बहुत समझदार है, कम पढ़ी लिखी हो सकती है, अनपढ़ हो सकती है, पर अकल होशियारी के अंदर, रॉबस्ट कॉमन सेंस में इस देश की जनता का और विशेषकर बिहार की जनता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बिहार तो श्री कृष्ण बाबू लगा करके लंबे समय तक आपने यहाँ शासन देखे हैं, यहाँ पंडित नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, तमाम लोग इसी ऐतिहासिक मैदान में आकर के बोले हैं। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा, समय आ गया है कि आप लोग सब एकजुट होकर के आज जो नई शुरुआत करी है प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा, जहाँ साहब को, उनकी पूरी टीम को, उनके सारे आज इतनी बड़ी शानदार रैली हुई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जो आरोप लगाए हैं राहुल गांधी जी ने, तो राफेल का हो कोई जवाब नहीं है मोदी जी के पास में, और तमाम लोगों को दिमाग में आ चुका है इन लोगों रहते हुए संविधान को खतरा है, देश को खतरा है और लोकतंत्र को खतरा है, उसको आप कांग्रेस सबको समझ करके आगे बढ़ना है। तो जनता से जो वादे किए वो समय पर पूरे हो, यही सोच होती है असली जननेता की, और यही सोच है राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत की, जिन्होंने जनता के प्रति जवाबदेही को तय करने के लिए अहम फैसला लिया। अशोक गहलोत ने जन घोषणा पत्र को वेब पोर्टल पर अपलोड कराया है, और जिस पर अधिकारी हर महीने की 10 तारीख को अपनी विभाग से जुड़ी घोषणाओं की अपडेट और उन पर किए गए कामों की जानकारी अपलोड करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर पैनी नजर रखे हुए सीएम अशोक गहलोत जनता में ये विश्वास पुख्ता करना चाहते हैं कि उनकी सरकार जनता के प्रति जिम्मेदार है और जवाबदेह भी। पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा जनसभाओं में किए गए वादों को पूरा करने के लिए सीएम गहलोत लगातार गंभीरता बनाए हुए हैं। पार्टी के जन घोषणा पत्र को पहले ही सरकारी दस्तावेज बना चुके सीएम गहलोत ने अब गवर्नेंस में पारदर्शिता के लिए एक बड़ा स्टेप लिया है। सीएम ने योजनाओं के क्रियान्वयन की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था की है, इसके लिए खास तैयारी की गई है। ये जन घोषणा पत्र को लागू करने की दिशा में बड़ी बात मानी जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था की, सीएम खुद जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करेंगे, इसके लिए बाकायदा पोर्टल पर जन घोषणा पत्र को अपलोड किया गया है। इसके लिए सीएम के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका ने निर्देश जारी किए हैं। सभी विभाग हर महीने की 10 तारीख तक घोषणाओं के क्रियान्वयन की प्रगति रिपोर्ट अपलोड करेंगे, इससे पता चलेगा कि किस घोषणा पर कितना काम हुआ। गहलोत के इस कदम से पता चलता है कि सीएम आमजन की शिकायतों पर कितने गंभीर हैं। इतना ही नहीं, सीएम शिकायतों के निस्तारण की प्रगति की भी मॉनिटरिंग करेंगे। इस पोर्टल पर सीएम गहलोत को मिलने वाली शिकायतें, परिवेदनाएं और अन्य प्रकरण सीएमआईएस पोर्टल पर दर्ज किए जाएंगे। सीएमआईएस यानी सीएम इन्फॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल पर ये शिकायतें दर्ज की जाएंगी। इस पोर्टल पर दर्ज प्रकरण की परिवादी को एसएमएस से सूचना देने की व्यवस्था की गई है। प्रकरण के निस्तारण की सूचना भी पोर्टल पर अपलोड किए जाने की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, हर महीने इन दर्ज मामलों की समीक्षा होगी। जाहिर है
सीएम अशोक गहलोत की कोशिश है कि जिस गुड गवर्नेंस का वादा करके वो सत्ता में आए हैं, लोग उसका एहसास कर सके। उनकी कोशिश है कि कांग्रेस के प्रति जो विश्वास लोगों में जागा है, उसे और मजबूत बनाकर लोकसभा चुनाव की जमीन तैयार की जा सके। सत्ता संग्राम जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे लोगों की दिलचस्पी भी बढ़ रही है। ऐसे में जरूरी है कि प्रदेश सरकार की छवि लोगों पर सकारात्मक असर छोड़े और सीएम गहलोत इसी पुरजोर कोशिश में लगे हैं। हालांकि जो शुरुआत गहलोत ने की है, वो अगर परवान चढ़ी और गंभीरता के साथ इस दिशा में सरकार बढ़ती रही तो लोगों को जल्द ही फील गुड भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। आरसीबी लाइंस में यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं में जाएगा, ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोशल मीडिया पर किस तरीके से सक्रिय रहे, यानी ट्विटर पर उन्होंने क्या कुछ ट्वीट किए हैं और उस पर जनता ने क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी हैं, वहीं फेसबुक पर क्या कुछ पोस्ट किया गया और उसको जनता कितना शेयर करती हुई नजर आई। इस दौरान कौन कौन से वीडियो वो खास रहे जो मुख्यमंत्री ने अपनी बोल से शेयर किए हैं, जल्द हाजिर होते हैं। के बाद आपका स्वागत, अब आपको लेकर चलते हैं सोशल मीडिया पर, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कुछ ट्वीट किए हैं और क्या कुछ पोस्ट किए हैं। सबसे पहले ट्विटर का रुख करते हैं, ट्विटर पर देखते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कुछ ट्वीट किए हैं। ये जब ट्विटर पर हम जाते हैं तो लगभग 5 घंटे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टीम इंडिया को न्यूजीलैंड में जो 5 वनडे मैचों की सीरीज थी उसमें 4-1 से न्यूजीलैंड को हराने पर बधाइयां यहां पर दी है। इसको 107 लोगों ने रिट्वीट किया है और 676 लोगों ने इसको लाइक किया है। वहीं पटना के इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित सभा में लाखों लोग आए। आज इस रैली में उमड़े जनसैलाब को देखकर बिहार ही नहीं पूरा देश अभिभूत हो रहा है। आप सभी के सहयोग से, आशीर्वाद से और समर्थन से ये रैली बहुत कामयाब हो सकी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जन आकांक्षा रैली जो बिहार के गांधी मैदान में हुई, वहाँ के फोटो यहाँ पर ट्वीट किए गए हैं। 913 लोगों ने लाइक किया और 224 लोगों ने इसको रीट्वीट किया है। वहीं कांग्रेस के पेज से हम गठबंधन के सारे लोग मिलकर पहले लोकसभा चुनाव और फिर बिहार चुनाव में जीतने जा रहे हैं, हम सब मिलकर आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। इसको भी अशोक गहलोत ने यहाँ पर ट्वीट किया है और 537 लोगों ने इसको रीट्वीट किया है और 1700 लोगों ने इसको लाइक किया है। इसके अलावा फिर जन आकांक्षा रैली के दौरान के कुछ फोटो यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शेयर किए हैं। उसके नीचे राहुल गांधी, जब जेटली को किसानों का कर्जा माफ करने के लिए कहा तो वो कहते हैं कि हमारी नीति नहीं है, ये बयान आज दिया गया। उसको फोटो के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है, 161 लोगों ने इसको भी रिट्वीट किया है, 590 लोगों ने इसको लाइक किया है। वहीं इतनी बड़ी संख्या में लोग का इस जन आकांक्षा रैली में आना आम जन का राहुल गांधी जी के प्रति उत्साह और विश्वास दिखाता है और इसको भी 342 लोगों ने रिट्वीट किया और 101,300 लोगों ने इसको यहां पर लाइक किया है। वहीं जब फेसबुक पर जाते हैं तो फेसबुक पर भी लगभग आज पूरे दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वॉल पर जन आकांक्षा रैली छाई रही और जब 5 घंटे पहले वो कोई पोस्ट करते हैं तो वो दरअसल पटना से जुड़ी जन आकांक्षा रैली की ही पोस्ट है। एक वीडियो यहां पर अपने बयान का, वो जो भाषण है उसका शेयर करते हैं और कमाल की बात यह है कि 5 घंटे में 24,000 लोग इसको देखते हैं, 304 लोग शेयर करते हैं और 244 लोग इस पर प्रतिक्रिया भी यहां पर देते हुए नजर आते हैं। यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बोल पर आज पटना में कांग्रेस की जन आकांक्षा रैली छाई रही और उसी से जुड़े हुए फोटो और वीडियो वो शेयर करते हुए नजर आए। आरसीबी लाइंस में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको हर दिन की तरह छोड़कर चलते हैं गाने के साथ, जिसके दिल में है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। नमस्कार।